أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In previous lecture I have already discussed about the mesh topology patirshivi lecture ke among the mesh topology bar ki for details ra lecture aur kalo us padhe lecture ke among sako padhe lecture ke among the mesh topology chikam advantages di pawaid aur daghi chikam nuqais di daghi paiba bahas ko theek da aur yo kalam ki chikam the advantages di pal kalam ki disadvantages di In this column we will discuss about the advantages and in this column we will be discuss about the disadvantages of the mesh topology. So let's start. The first advantage is the fault tolerance. Fault tolerance means the identification of faults is very straightforward. Is topology mein jo इस नेटवर्क में जो फॉल्ट आता है इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ही सिंपल होता है ठीक है क्योंकि अगर एक केबल में मसला आए तो दूसरी केबल की थ्रू तीसरी केबल की थ्रू हम इसकी आइडेंटिफिकेशन आसानी के साथ कर सकते हैं कि फलाना केबल में मसला है सेकंड वन इज़ द गारंटेड कम्युनिकेशन चैनल कैपेसिटी हैविंग मैनी रूट्स सेकंड एडवांटेज इसका क्या है कि ये गारंटेड कम्युनिकेशन चैनल है यानी ये कम्युनिकेशन की गारंटी देता है कि डेटा मैसेजेस विल बी ट्रांसफर रिलायबली विदाउट एनी चांसेस ऑफ फेलियर क्योंकि इसमें क्या है मैनी रूट्स होते हैं मैनी फॉर्ट्स होते हैं अगर एक फॉर्ट में ख़राबी आ जाए तो दूसरा फॉर्ट इसकी जगह ले सकती है और कम्युनिकेशन जो है हमारी गारंटेड हो जाता है इसमें कोई शक नहीं होता कि फलाना डेटा नहीं जाएगा क्योंकि हमारे साथ बहुत से रूट्स होते हैं एक रूट की जगह दूसरा रूट दूसरे रूट की जगह तीसरा रूट हम यूज़ कर सकते हैं थर्ड वन क्या है इजी टू ट्रबल शूट ट्रबल शूटिंग का क्या मतलब है ट्रबल शूटिंग का मतलब है टू डिटेक्ट एंड करेक्ट ए प्रॉब्लम सो द डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग सो दिस मेश टोपोलॉजी अलाउज द ट्रबल शूटिंग we can easily detect a node or a cable and we can replace by other one so this is the advantages of the mesh topology fourth managing high amounts of traffic because multiple device transmit data simultaneously iske zariye hum high amounts of data jo hai ye transfer kar sakte hain kyunki ये जो ट्रांसमिशन करता है मल्टीपल लिंक्स ये एट ए टाइम करता है सिमल्टेनियसली सिमल्टेनियस का मतलब क्या है बैक वक्त में मल्टीपल केबल्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता है फिफ्थ अ फेलियर ऑफ एक डिवाइस और केबल डज नॉट इफेक्ट द होल नेटवर्क इसमें अगर एक नोड में या अगर एक केबल में कोई ख़राबी आ जाए तो दूसरा केबल इसकी जगह ले सकती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केबल ख़राब हो जाए तो दूसरा केबल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या डेटा नहीं जाएगा इसमें ये फ़ायदा है कि अगर एक पाथ में ख़राबी आ जाए तो दूसरा पाथ इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे पहले लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया एडिंग एडिशनल डिवाइसेस डज नॉट डिस्टर्ब डेटा ट्रांसमिशन अगर इसमें हम एक नोड को या केबल को ऐड करना चाहे तो इसकी वजह से डेटा ट्रांसमिशन पर कोई असर नहीं पड़ता यानी हम एक तरफ केबल ऐड करते हैं नोड ऐड करते हैं दूसरी तरफ डेटा सिस्टम अपना काम करता है इस पर कोई असर नहीं करता प्रोवाइड हाई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी अच्छी है बनिस्बत दूसरे नेटवर्क के जैसे बस टोपोलॉजी में इतना सिक्योरिटी नहीं होता और रिंग टोपोलॉजी में इतना प्राइवेसी और सिक्योरिटी नहीं होती ये इनकी निस्बत बस और रिंग की निस्बत इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी अच्छी है इट इज़ रोबस्ट टू बीट एनी सिचुएशन ये रोबस्ट है रोबस्ट का मतलब क्या है इट कैन वर्क एट एनी फेलियर सिचुएशन एट एनी रिस्क और एट एनी फेलियर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है इनपुटिंग कर रहा हो या कोई केबल में कोई मसला हो तब भी इसी सिचुएशन में काम कंटिन्यू करेगा ठीक है अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ इसका जो मेन डिसएडवांटेजेस क्या है डिफ़िकल्टी एंड इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन
इसका जो मेन डिसएडवांटेज क्या है, इसकी इंस्टॉलेशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केबल्स होते हैं, हर एक केबल को फिर इंस्टॉल करना, लगाना और फिर इसको कॉन्फ़िगर करना, इसको आईपी साइन करना, ये काफ़ी मुश्किल काम है, इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह ये मिस टोपोलॉजी मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी कम्प्लेक्स है। सेकंड, इट इज़ मोर कॉस्टली एज कम्पेयर टू द अदर नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज स्टार बस रिंग एक्सेट्रा। सो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क, दूसरे टोपोलॉजी की निस्बत ये जो टोपोलॉजी है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, स्टार की निस्बत, बस नेटवर्क की निस्बत, रिंग की निस्बत, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केबल इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा केबल्स, रिडंडेंट लिंक्स है, तो इसको इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कास्ट आता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव है इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर। थर्ड वन, वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज द इट हैज़ अ रिडंडेंट लिंक्स, सो मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग ऑल दीज लिंक्स, इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस। पावर रिक्वायरमेंट्स इज हाई हायर एज ऑल द नोड्स विल रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम। सो पावर रिक्वायरमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, पावर, इट्स रिक्वायर्ड अ हाई पावर इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस नेटवर्क, बिकॉज एवरी नोड इन दिस नेटवर्क विल बी रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम, बिकॉज ईच एंड एवरी नोड विल ट्रांसमिट डेटा एनी टाइम। सो इन दिस केस वी कैन से दैट इट रिक्वायर हाई पावर as compared to the other networks. And the last one is the maintenance needs are challenging with mesh. It is very difficult to maintain such network. So maintainability of this network is more complex as compared to the other network. So this is the last types of topology. We have discussed about the bus, star, ring, and this one is the last topology, that is the mesh topology. Except this topology, we will also discuss there are also topologies, some others like tree topology, point to point, multi point, etc. So we will discuss about these topology, inshallah, in the next lecture. I hope you like this video, and if you like it, please subscribe and share it. Allah Hafiz.